इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच में जैसे ही प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड अनाउंस हुआ, हर कोई हक्का बक्का रह गया और बस एक दूसरे को ही देखने लगा, क्योंकि सभी विराट कोहली को ही प्लेयर ऑफ द मैच मान रहे थे। लेकिन मोहम्मद शमी ने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेते वक्त कुछ ऐसा कर डाला जिसने सारे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, आज भारतीय टीम ने कमाल की बल्लेबाजी की, जिसमें विराट कोहली श्रेयस अय्यर के शतकों का सबसे बड़ा योगदान रहा, जहां पर आज विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के शतकों का रिकॉर्ड भी तोड़ा और शतकों की 50 लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने। वहीं न्यूजीलैंड ने भी इंडिया के धागे खोल डाले थे। एक समय पर लगने लगा था कि न्यूजीलैंड आराम से यह सेमीफाइनल मैच जीत जाएगी, पर मोहम्मद शमी ने आकर कमाल कर दिया और भारत की नैया पार लगाई, 7 विकेट लेकर पूरा मैच ही पलट दिया। इसी वजह से मोहम्मद शमी को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया, पर शमी ने विराट कोहली को इसका असली हकदार बताया। आपको क्या लगता है, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसे मिलना चाहिए था? कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।